नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान लिए जा रहे हैं और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर हमने बहुत सारी फॉर्म्स पढ़ी। हमने डी फॉर्म पढ़ी जिसे हमने डेक्स्ट्रोमर्स कहा था, हमने एल फॉर्म्स पढ़ी जिन्हें हमने लिगोमर्स कहा था। लिगोमर्स जो कि एंटी क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा देते हैं, डेक्स्ट्रोमर्स जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, और इसके अलावा हमने एक स्पेशल फॉर्म और पढ़ी थी जिसको हमने मीजो फॉर्म कहा था, मीजो फॉर्म जो कि लाइट को ना तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं और ना वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कहने का मतलब वो क्या थे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये तीन फॉर्म बच्चों हम लोगों ने पढ़ी थी, डी जिसे कि हमने प्लस से, एल जिसे माइनस से, और डी एल जिसे कि प्लस माइनस से हमने रिप्रेजेंट किया था। ये तीन फॉर्म हम लोगों ने लास्ट टार्टरिक एसिड का एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो टार्टरिक एसिड में हमने ये तीन फॉर्म बच्चों हम लोगों ने डिस्कस की थी। अच्छा, इन तीन फॉर्म के अलावा एक फॉर्म और ऐसी पॉसिबल है जो कि एब्सोल्यूट फॉर्म तो नहीं है मगर हम उसका नाम मैं बता रहा हूँ आपको, और ये बहुत अच्छा श्योर मतलब ग्रेजुएशन क्लासेज में एक श्योर मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है, इसकी भी तैयारी आपके साथ साथ हो जाएगी। इसका नाम है रेसमिक मिक्सचर। ये एक तरीके से फॉर्म बोल भी सकते हैं मगर ये कंपाउंड के फॉर्म नहीं है। दिस इज अ मिक्सचर, दिस इज नॉट अ प्योर फॉर्म, रादर दिस इज अ मिक्सचर। ये एक दो फॉर्म का कॉम्बिनेशन है। तो रेसमिक मिक्सचर की बच्चों डेफिनेशन क्या होती है, दिस इज अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म। ठीक है ना, इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब हो गया समान मात्रा में डी और एल फॉर्म को जब हम एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं तो जो नई फॉर्म बनती है उसको हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। देखिए यहां पे लिखा गया है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म। एग्जाम्पल, ये तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर आपको कोई पूछेगा कि रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ टू फॉर्म, वन इज डी एंड सेकेंड इज एल फॉर्म। तो जब डी और एल फॉर्म दोनों आपस में जुड़ जाएंगी तो डी फॉर्म तो क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, एल फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, और टोटल जो ये मिक्सचर बन जाएगा उसको वो क्या हो जाएगा, ना तो उसमें डी मतलब ना तो उसमें क्लॉकवाइज रोटेशन होगा ना उसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन इसके बावजूद जो डी फॉर्म है और एल फॉर्म है दोनों अपने अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे, कहने का मतलब वो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल तो करेंगी मगर वो रिएक्शन करके नहीं, केवल फिजिकल फॉर्म में, है ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक पॉइंट हमने जो ये लिखा इक्विमोलर मिक्सचर, दूसरा बात हमने लिखी ऑप्टिकली इनएक्टिव, तीसरी बात हम क्या कह सकते हैं, ये न्यूट्रलाइज ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ डी एंड एल फॉर्म। इसका मतलब है जो डी और एल फॉर्म के कारण जो ऑप्टिकल इफेक्ट था वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है ना, उसी कारण तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मगर इस बात को भी यहां पे जरूर मेंशन करें कि बोथ द फॉर्म्स रिटेन देयर आइडेंटिटी। ये अगला पॉइंट हो गया कि
एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल तो करते हैं, मगर वो दोनों के दोनों फॉर्म अपनी अपनी फिजिकल स्टेट में बने रहते हैं, वो एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते, वो दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। ठीक है, इस बात को हम अब एग्जांपल से समझेंगे, जिस बात को अभी आपने चार पांच पॉइंटों में समझा है। एक पॉइंट जिसमें इक्विमोलर मिक्सचर था, दोनों समान मात्रा में मिलाए गए थे, डी फॉर्म और एल फॉर्म, जिसके कारण डी फॉर्म ने एल फॉर्म के इफेक्ट को कंप्लीटली कैंसिल कर दिया और पूरा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, मगर इसके बावजूद भी कंपाउंड के अंदर दोनों फॉर्म एज इट इज पड़ी हुई है, उन दोनों ने आपस में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं किया। इस तरीके से बने हुए मिक्सचर को जो है हम लोग रासायनिक मिक्सचर कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल चाहे तो आप देख लें, इसका एक एग्जांपल बच्चों चाहे तो आप लोग देख लें। मैंने डी लैक्टिक एसिड एसिड और एल लैक्टिक एसिड को आपस में मिक्स कर लिया, 50% बच्चों इसका और 50% इसका, तो ये जो कंपाउंड, ये जो मिक्सचर मिलेगा, ये जो मिक्सचर मिलेगा, ये जो है रेसमिक मिक्सचर कहलाएगा, ये कहलाएगा रेसमेट ऑफ लैक्टिक एसिड, ये रेसमिक मिक्सचर ऑफ लैक्टिक एसिड ये कहलाएगा। और इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होंगी कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इस पॉइंट को आप लोगों को अपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो ये रासायनिक मिक्सचर बनाने का जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस बच्चों हमने किया अभी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रासायनाइजेशन, रासायनाइजेशन, दिस इज रासायनाइजेशन। ठीक है ना, तो रासायनाइजेशन क्या हो गया, ये एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिससे रासायनिक मिक्सचर बनता है, और रासायनिक मिक्सचर क्या हो गया, वो दोनों फॉर्म्स का बराबर बराबर का मिक्सचर, समान मात्रा का मिक्सचर हो गया। ठीक है ना, तो बच्चों इस वाले एग्जाम्पल में तो हमने क्या किया, मैंने आपको कहा 50% ये वाली फॉर्म ले लो और 50% ये वाली फॉर्म ले लो, इसमें तो मैंने आपको क्या कहा कि दोनों फॉर्म को लेने के बाद मिक्स करो, है ना, मतलब मैंने आपको एक फिजिकल मिक्सिंग के लिए कहा, आप लोगों ने इसको लेकर के फिजिकली वे करके लिया और मिक्स कर दिया, तब जाके आपने रासायनिक मिक्सचर बनाया। तो ये तो फिजिकल प्रिपरेशन हो गई इसकी, इसकी कुछ केमिकल प्रिपरेशन भी हो सकती है, मतलब केमिकल रासायनाइजेशन भी हो सकते हैं। और केमिकल रासायनाइजेशन कैसे हो सकते हैं, देखिए अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ना केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे कि ऐसे कंपाउंड बन रहे हैं, देखिए एग्जांपल देखें, CH3C फॉर एग्जांपल N, ये एक एग्जांपल हमने देख लिया, या फिर ये एक एल्डिहाइड का चलिए हमने एग्जांपल देख लिया, ये हमारे पास क्या है, एसिटल्डिहाइड, हम इसको क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। अच्छा देखिए इस एसिटल्डिहाइड में हाइड्रोजन साइनाइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन कराते हैं, आप लोगों को पता है ये रिएक्शन किस कैटेगरी की रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, आप लोगों को पता है ये एक एडिशन रिएक्शन है, और इसके बाद जो कंपाउंड बनता है उसका नाम क्या होता है, साइनहाइड्रिन। तो ये एग्जाम्पल देखिए किस तरीके से बनेगा, सी एस थ्री सी, एक एस टू इसका बच्चों ये रहा, एक सी एन जो है इधर आएगा और एक ओ एच के साथ एच चले जाएगा, देखिए ये इस तरीके से टूटा कि ये सी एन नेगेटिव वाला जो पोर्शन था, इस पोर्शन में देखिए बॉन्ड का क्लीवेज कुछ इस तरीके से हुआ बच्चों कि ओ का नेगेटिव, ओ ने डबल बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कराया, ओ नेगेटिव हो गया, और इस सिंगल बॉन्ड में इस तरीके से शिफ्ट हुआ कि CN भी नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव वाला पोर्शन इस कार्बन की तरफ अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव हो चुका है ये इस प्रोटॉन को कैच करेगा, ठीक है ना, विद द रिजल्ट देखिए हमारा मॉलिक्यूल क्या हो गया, ये H जो था, प्रोटॉन जो था, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना दिया, और ये जो CN था, इस CN ने इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को ज्वाइन किया और इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूल एक साइनहाइड्रिन बन गया। इस कंपाउंड का नाम क्या हो सकता है, एसिटल्डिहाइड साइनहाइड्रिन, ये देखिए, ये बारे में भी आपने ये रिएक्शंस पढ़ी होंगी, जबकि आप किसी एल्डिहाइड की किसी हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन, तो दिस इज एडिशन रिएक्शन, कॉमन रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपने जरूर पढ़ी होगी। तो विद द रिजल्ट हमारा जो मॉलिक्यूल बच्चों बना, देखिए विद द रिजल्ट जो हमारा मॉलिक्यूल बना, आप इस मॉलिक्यूल को देखते ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पे एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है, क्योंकि इसमें दूसरा कोई कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो इसमें
सिमेट्री एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होने के भी चांसेस नहीं है और ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है ना। तो ये कंपाउंड अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो आप ये देखिए, अब आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि इसमें ये जो एडिशन रिएक्शन हुई, इस एडिशन रिएक्शन के दो फेट हो सकते थे, दो तरीके से ये रिएक्शन हो सकती थी। एक रिएक्शन तो ये हुई और दूसरा केस क्या हो सकता था, सी एच थ्री सी सी एन एच और ओ एच, ठीक है, ये दूसरा केस हो सकता था। दूसरा केस किस तरीके से कहा हमने, देखिए हम लोगों को क्या पता है कि ज्वाइन करने वाला हाइड्रोजन जो इस ग्रुप से ज्वाइन कर रहा है वो इसी तरफ लगेगा, है ना, वो तो किसी भी तरीके से मॉलिक्यूल अरेंज हो सकता है, जो भी उसके चांसेस होंगे अरेंज होने के वो उस तरीके से अरेंज हो सकता है। तो विद द रिजल्ट दो तरीके के ओरिएंटेशन आ सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अगर मैं इसको देखिए, अगर हम इस कंपाउंड को ठीक करें तो हम इसको जो है इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखते हुए हम लोग इसको जो है डी फॉर्म कह सकते हैं और इसको अगर ठीक करें तो हम इसको एल फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन के थ्रू बन सकते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि इस रिएक्शन से दो मॉलिक्यूल बन सकते हैं, दोनों के बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बराबर बराबर है, तो इस रिएक्शन का जो रिजल्ट होगा, इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो एक मिक्सचर के फॉर्म में बनेगा जिसमें ये डी फॉर्म और ये एल फॉर्म, ठीक है ना। ऐसे तो मैंने इसको अभी डी और एल फॉर्म लिखा है, आपको पता है ये दोनों के दोनों एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म है जिन्हें मुझे डेक्स्ट्रोमर और लिगोमर्स की फॉर्म में दिखाना चाहिए था, मगर जस्ट मैंने इसको आपको बताने के लिए डी फॉर्म और एल फॉर्म बना दिया। इन दोनों का 50% इसका होने की संभावना है और 50% देखिए इसके होने के चांसेस है। तो टोटल मिला करके ये जो मिक्सचर बना ये एक इक्विमोलर मिक्सचर बना, ठीक है ना। तो ये एक आपको कहा था दोनों को वे करके उनको जोड़ दें, एक दूसरे के साथ डाल दें। और तीसरा केस केमिकल रेसेमाइजेशन, केमिकल रेसेमाइजेशन जो है वो आपको केमिकल रिएक्शन के बाद रेसेमिक मिक्सचर जो मिल रहा है ये केमिकल रेसेमाइजेशन का एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग लिख लेंगे, ये केमिकल रेसिमाइजेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों, ओके। इसके बाद केमिकल रेसिमाइजेशन जो आपको बताया मैंने, आप लोगों को एक जगह एक पॉइंट डिस्कस किया है कि बोथ द फॉर्म रिटेन देयर आइडेंटिटी, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट रेसिमिक मिक्सचर में क्या लिखाया है, बोथ आइसोमर्स रिटेन आइडेंटिटी। इसका मतलब था कि मिलाने के बावजूद दोनों की दोनों फॉर्म जो होती हैं अपने अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती हैं, ठीक है ना। अब इस बात को कहना कि ये दोनों एक अपने अपने मिक्सचर अपने अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं, इसको देखिए दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि हम चाहें तो दोनों चीजों को वापस से सेपरेट भी कर सकते हैं, है कि नहीं। हम चाहें तो उन दोनों फॉर्मों को एक दूसरे से सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये जो सेपरेशन का तरीका है इसको हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर। इसको क्या कहते हैं बच्चों, हम रिजोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है ना। ये रेजोल्यूशन वर्ड को आप चाहो तो सरल लैंग्वेज में समझ सकते हो, सेपरेशन सेपरेशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर। तो ये एक अगला टॉपिक है, ये दोनों क्वेश्चंस जब भी लॉन्ग आंसर टाइप में हमारे यहाँ आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो ये रेसेमिक मिक्सचर एंड देयर रेजोल्यूशन के नाम से फुल लेंथ क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंटों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आपको अभी रेसेमिक मिक्सचर के बारे में जानकारी दी गई थी, अब मैं आपको रेजोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर के बारे में बच्चों बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से रेसेमिक मिक्सचर का रेजोल्यूशन कर सकते हैं, रिजोल्व कैसे कर सकते हैं उन दोनों को। तो देखिए रिजॉल्व करने के भी कुछ तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है बच्चों फिजिकल रिजोल्यूशन, फिजिकल रिजोल्यूशन जिसमें दोनों फॉर्म को उनकी फिजिकल चेंजेस के बेसिस में अलग अलग किया जा सकता है, है ना।
दोनों फॉर्म में देखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दोनों है, ये डी फॉर्म है क्योंकि ये ब्लैक है, मैंने आपको डी बना करके दिखा दिया, और ये एल है। इस तरीके से बहुत सारे मिक्सचर है, इन मिक्सचर में ये बहुत सारी फॉर्म है, तो मैंने एक फॉर्म को उठा करके अलग, दूसरी फॉर्म को उठा करके अलग कर दिया। इसको हम लोग, ये एक बहुत कन्वेंशनल मेथड है, इसको हैंड पिकिंग मेथड भी कहते हैं, हैंड पिकिंग मेथड। ठीक है, ये एक बहुत मतलब स्लो प्रोसेस है, बहुत कारगर प्रोसेस नहीं है, क्योंकि देखिए अभी तो मैंने आपको मोटे मोटे ये दोनों एग्जांपल्स जो थे ये इतने बड़े बड़े हैं, है ना, इसको सेपरेट करना तो पॉसिबल है, पर कंपाउंड जो होंगे वो तो बहुत छोटे होंगे, उनके जो क्रिस्टल्स होंगे वो इतने बारीक होंगे कि आपको उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, बहुत माइक्रो स्पैचुला से ये माइक्रो उससे आपको आपको अलग करना पड़ेगा, जो कि आपको मतलब एक ग्राम भी अगर अलग करना है तो उसमें भी क्या पता पूरा दिन लग जाए, है ना। तो ये हालांकि एक तरीका नहीं है, बहुत पहले जमाने में इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कभी होते रहे होंगे, मगर फिर भी एक तरीका है, चूंकि मेंशन है बुकों में भी आप देखेंगे, तो ये हैंड पिकिंग मेथड जो है ओल्ड कन्वेंशनल मेथड है, जिसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज दोनों के दोनों जो फॉर्म होंगी, देखिए एक फॉर्म है डी और एक फॉर्म है एल, ये दोनों की दोनों फॉर्म एक दूसरे से क्या हो सकती है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स में अलग अलग हो सकती है। मान लेते हैं इसका शेप अलग है और इसका शेप अलग है, आप देखिए ये एक स्पेरिकल है, ये एक कॉनिकल है, तो हम चाहे तो इनको सीव के थ्रू, है ना, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये वाले लुढ़क करके पहले आगे चले जाए, ये वाले बाद में आए, है ना, ये हम कुछ तरीके लगा सकते हैं क्योंकि इनकी शेप अलग अलग है, हो सकता है हम इनके साइज अलग अलग हो सकता है ये दोनों मॉलिक्यूल्स के साइज अलग अलग हो। देखिए अगर साइज अलग अलग होंगे तो जैसे छन्नी होती है, छन्नी से हम छानते हैं तो छोटे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो तो निकल करके नीचे आ जाएंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं ऊपर रह जाएंगे, तो हम चाहें तो उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर इस तरीके के मेथड से फिजिकल सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसी तरीके से मान लेते हैं एक वेट है ना, एक थोड़ा बल्कियर है और एक थोड़ा क्या है लाइट वेट है, तो जो बल्की वेट होगा वो नीचे की तरफ बैठेगा, लाइट वाला ऊपर की तरफ आएगा, तो ऐसे करके भी बच्चों हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ग्रेविमेट्रिकली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि कन्वेंशनल तरीके हैं, मगर समझने में इसमें समझना इसको जरूरी है, इसलिए आपको बता दिया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों फिजिकल रेजोल्यूशन के अलावा जो सेकेंड तरीका है इसका, वो है बायोलॉजिकल रेजोल्यूशन। बायोलॉजिकल रेजोल्यूशन जो है, इस बायोलॉजिकल रेजोल्यूशन में ये क्या करते हैं, आपके पास दो फॉर्म्स हैं डी और एल, मान लेते हैं लैक्टिक एसिड हमारे पास एक मिक्सचर है, एक रेसेमिक मिक्सचर है जिसमें डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड मिला हुआ है। अब हमारे को केवल डी ही लैक्टिक एसिड की जरूरत है, है ना, एल लैक्टिक एसिड की हमें कोई जरूरत नहीं, या फिर केवल हमें एल ही लैक्टिक एसिड की जरूरत है। देखिए एल लैक्टिक एसिड जो होता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, एल लैक्टेट जो है हमारे यहाँ हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट साइकिल में बनता है, ये एक प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है ना। तो एल लैक्टेट जो है दिस इज बायोलॉजिकली एक्टिव, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, एंड डी लैक्टिक एसिड की हमारी बॉडी को कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कभी हमें मिक्सचर मिल जाए तो हमें तो उसमें से अपने काम की चीज तो सेपरेट करनी है बच्चों, तो इसलिए हमें एल लैक्टिक एसिड को अलग करना है। एल लैक्टिक एसिड को अलग करने के लिए डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड के इस मिक्सचर में बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाता है, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें डाला जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक फॉर्म को खा लेता है, एक फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर लेता है, तो फिर दूसरी फॉर्म बच जाती है ना। इसमें दो फॉर्म है जिनमें से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से स्पेसिफिक है कि वो एक फॉर्म को खा लेता है। देखिए इसका एग्जांपल बता रहे हैं, पेनिसिलियम ग्लॉकम, ये एग्जांपल है, ये एक फंगस स्पीसीज है, फंगल स्पीसीज है पेनिसिलियम ग्लॉकम। ये पेनिसिलियम ग्लॉकम जो है जिससे पेनिसिलिन बनता है बच्चों, जिसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहते हैं, ये पेनिसिलियम ग्लॉकम जो है इस
के माइक्रोब को, इस फंगस को जब इन डी और एल लैक्टिक एसिड के रासायनिक मिक्सचर के ऊपर ग्रो कराया जाता है तो पेनिसिलियम ग्लोकन के लिए डी फॉर्म फूड है जबकि हमारे लिए एल फॉर्म यूजफुल है ना, तो वो डी फॉर्म को खा जाता है, डिस्ट्रॉय कर जाता है और विद द रिजल्ट हमारे सैंपल में केवल और केवल एल लैक्टिक एसिड बच जाते हैं जिसको हम वाटर में डिजोल्व करके अलग निकाल लेते हैं और बाकी जो रेस्ट पोर्शन रहता है पेनिसिलियम ग्लोकन और उसका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हम बायोलॉजिकल मेथड्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं बच्चों, इन दो इस मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मगर अगेन जैसे फिजिकल मेथड की कुछ लिमिटेशन थी है ना, फिजिकल मेथड्स की क्या लिमिटेशन थी, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था, बहुत स्लो प्रोसेस था, इसी तरीके से इसमें भी कुछ क्या है लिमिटेशन है। और इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है बच्चों, एक तो ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढूंढना जो कि एक ही फॉर्म को खाता हो, देखिए केवल एक ही फॉर्म को खाता हो वो बहुत मुश्किल है ना, काफी मतलब स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो एक लिमिटेशन तो जो देखने से यहां से पता चल रही है वो ये चल रही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा ढूंढना दिस इज नॉट अ इजी गेम, ठीक है ना। और सेकेंड जो टर्म है बच्चों वो ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक फॉर्म को खत्म कर देगा है ना, अब क्या पता वही फॉर्म हमारे काम की हो सकता है, वो फॉर्म हमारी यूजलेस ना रही हो है ना, क्या पता उसका भी कोई यूज हो, हम तो केवल सेपरेट करना चाह रहे थे, उसने तो एक फॉर्म खाई है ना। तो ये इस तरीके की जो प्रैक्टिस है ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है बच्चों, ठीक है ना। इसके कारण हम इसको मतलब एक वैसा आइडिया नहीं मान सकते जो कि सबसे सुपर हिट आइडिया नहीं मान सकते, हम इसको भी अभी सेकेंडरी आइडिया मानेंगे रेजोल्यूशन का, ठीक है। और इसके बाद थर्ड जो हमारा मेथड है रेजोल्यूशन का उसको कहेंगे केमिकल रेजोल्यूशन, थर्ड इज केमिकल रेजोल्यूशन। केमिकल रेजोल्यूशन में क्या है देखिए, अभी हम लोगों ने अभी देखिए लैक्टिक एसिड को ही सेंटर करके हमने इतने सारे एग्जांपल्स बना दिए, तो आप सोचे कि अगर हम बहुत सारे एग्जांपल्स को और लेंगे तो हमारे लिए तो कितने सारे केसेस पॉसिबल है ना, केवल लैक्टिक एसिड में इतने सारे केसेस हमने आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो आप देखिए ये लैक्टिक एसिड का अगेन मैंने एक एग्जांपल बना दिया, ये लैक्टिक एसिड फॉर एग्जांपल ये डी लैक्टिक एसिड है, मैं फिर बता दूं इसमें डी और एल हमें स्ट्रक्चर को देख के पता नहीं चल सकता क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जब हम इन दोनों अलग अलग कंपाउंडों के सॉल्यूशंस को पोलरीमीटर में चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन लाइट को डेक्स्ट्रो घुमा दे रहा है और कौन उसको लीवो घुमा दे रहा है, इसलिए इसको केवल हम मानते हुए चल रहे हैं कि दिस इज डी फॉर्म एंड दिस इज एल फॉर्म, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि जब हम ये दोनों के दोनों किस तरीके के कंपाउंड है, एसिडिक कंपाउंड है बच्चों है ना, ये दोनों एसिडिक कंपाउंड है और है दोनों के दोनों डिफरेंट, हमको पता है कि इसमें से एक डी फॉर्म है और एक एल फॉर्म है, दोनों अलग अलग है। अब अगर हम ऐसे कंपाउंड को ऐसे कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं और उनसे दो अलग अलग कंपाउंड बना लेते हैं, देखिए मान लेते हैं हम यहां पे कोई ये एसिडिक ग्रुप है, यहां पे हम कोई बेस से रिएक्शन करा देते हैं, बेस से रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है, इनसे आपकी केमिस्ट्री रिवाइज भी हो रही है। देखिए मान लेते हैं अगर हम इस एसिड के किसी बेस से रिएक्शन करा देते हैं, मान लीजिए कोई बेस है हमारे पास, ठीक है, तो बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, ये भी बेस से रिएक्शन, ये भी उसी तरीके के बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। अब देखिए ये एसिड दोनों दिखने में तो सेम थे मगर थे अलग अलग, मगर इनसे बनने वाले जो सॉल्ट होंगे बहुत चांसेस हैं कि ये दोनों के दोनों सॉल्ट एक दूसरे से फिजिकल और केमिकल नेचर में बहुत अलग अलग हों, है ना। जैसे सॉल्ट वन, क्योंकि ये तो अलग है, सॉल्ट वन और ये सॉल्ट टू बन जाएगा, हो सकता है सॉल्ट वन का मेल्टिंग पॉइंट अलग हो, सॉल्ट टू का मेल्टिंग पॉइंट अलग हो, सकता है सॉल्ट वन का बॉइलिंग पॉइंट अलग हो, सॉल्ट टू का बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है, सॉल्ट वन जो है
वो वाटर में डिजोल्व हो जाता हो, जबकि सॉल्ट टू है वाटर में डिजोल्व ना होता हो। तो इस तरीके से इनके बहुत सारे फिजिको केमिकल ऐसे कैरेक्टर्स नकल करके आएंगे, इनकी डेंसिटी अलग हो सकती है, इनके सॉलिबिलिटी अलग हो सकती है बच्चों, इनके बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनमें डिफरेंस के कारण हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाए। ठीक है ना, मान लेते हैं अगर ये वाटर में सोल्यूबल है तो हमारे को जो मिक्सचर मिलेगा जब हम उसको वाटर में घोलेंगे तो सॉल्ट वन तो डिजोल्व हो जाएगा, सॉल्ट क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेट हो जाएगा या फिर उसमें डिजोल्व नहीं होगा, जिसको कि हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये दो एक ही जैसे बेस के साथ रिएक्शन कराई जाए होंगे इनको, तो इसके थ्रू सॉल्ट जो बने वो दोनों अलग अलग बने, सॉल्ट वन और सॉल्ट टू, दोनों के दोनों सॉल्ट जो है एक दूसरे से केमिकल और फिजिकल नेचर में डिफरेंट रहे, और इस कारण जो है उनको हमने किसी न किसी तरीके से सेपरेट कर पाया। तो ये जो बच्चों हमारा मेथड है जिसे केमिकल रेजोल्यूशन का, देखिए ये तो एसिड का केस था, अब आप चाहें तो और बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं, जैसे आप इन एसिड को एस्टर भी बना सकते हैं, है ना। अगर आप इस एसिड को किसी एल्कोहल से रिएक्शन करा दें तो ये एक एस्टर बनाएगा, उसी तरीके से ये एसिड किसी एल्कोहल से रिएक्शन करके दूसरा एस्टर बनाएगा, तो वो दोनों भी अलग अलग हो गए। इसी तरीके से आप चाहें तो इस एसिड को एमाइड भी बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं बच्चों। जैसे कि हम केमिकल रिएक्शंस, जितनी केमिकल रिएक्शंस हम जानते हैं उनकी एप्लीकेशन से हम लोग इनको सेपरेट करने के लिए अलग अलग तरीके के डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनको बाद में सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री के लेक्चर्स हमारे देखे हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले आपको वो जरूर देखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो डिस्कस किया गया है। एलिमेंट्री लेवल से हमने डिस्कस किया है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, और जिन बच्चों को उसमें दोनों ही मोड यूज़ किए हुए, हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड किए हुए हैं, तो हिंदी में आप लोग सुनने में और समझने में आपको ईजी रहेगा, मगर टर्मिनोलॉजी मैंने जैसे आपको पहले लेक्चर में भी कहा था, आपको टर्मिनोलॉजी जो है उसमें इंग्लिश की ही देखनी है, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स जब आप आगे रेफर करेंगे तो आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी बच्चों मिलेगी। तो लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर दिया था, मैं उसको बहुत क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ। इस बोर्ड में मैंने कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, आप एकदम से देख करके उनके आंसर्स खुद ही अपने दिमाग में सोच लीजिए। आप लोगों को ये बोर्ड में जो भी टर्म्स दिख रहे हैं खुद से अपना आंसर अपने दिमाग में बनाते रहें इसका। जैसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, प्लेन पोलराइज लाइट। आपको पता है प्लेन पोलराइज लाइट ऐसी लाइट को कहते हैं जिसका कि वाइब्रेशन, जिसका कि प्रोपोगेशन जो होता है केवल एक डायरेक्शन में होता है, मतलब इसका केवल एक वेक्टर होता है, जिसको हमने कि इस तरीके से दिखाया था, एक ही डायरेक्शन में जो कि मूव कर सकती है। दूसरा पॉइंट आया था ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऐसे कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को रोटेट कर लेते हैं, कुछ मोड़ देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। वो अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को डेक्स्ट्रोमर्स कहते हैं, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं लाइट को तो उन्हें लीगोमर्स कहते हैं। एल और डी के लिए डेजिग्नेशन है, डी को कहीं कहीं पे बच्चों डी को हम प्लस से भी लिखते हैं, देखिए डी इज इक्वल्स टू प्लस, डी फॉर्म जो डेक्स्ट्रोमर है उसको प्लस से भी डिनोट करते हैं। अच्छा, इसको कभी भी कैपिटल डी से डिनोट नहीं करना, कैपिटल डी किसी और चीज के लिए यूज होगा, आप आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, तो आपको कभी भी कैपिटल डी यूज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से एल जो है, एल को हम माइनस से भी डिनोट करते हैं, मगर इसके लिए भी अगेन कैपिटल एल आपको यूज नहीं करना है, इसके लिए भी जो है आपको स्मॉल एल यूज करना है। तो ये डेक्स्ट्रोमर और ये लिगोमर है, ये डेक्स्ट्रोमर और लिगोमर नहीं है बिल्कुल भी, तो इसको आप यूज नहीं करेंगे। इसके बाद अगला टर्म हमने पढ़ा था एनेंसियोमर्स, एनेंसियोमर्स में हमने देखा था दो ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों और नॉन सुपर इम्पोजेबल हों, है ना, ये तीन पॉइंट हमने इसके लिए बोले थे। तो जो कंपाउंड्स ऐसे प्रॉपर्टीज रखेंगे उन्हें आपस में एनेंसियोमेरिक पेयर बोलेंगे, एनेंसियोमर्स कहेंगे, और जो ऐसे नहीं होंगे मगर फिर भी आइसोमर्स होंगे तो उनको हम लोग डायस्टीरियोमर्स कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स भी आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। टार्ट्रिक एसिड का हमने एग्जांपल उसमें दिया था, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप खुद से भी एग्जांपल्स बना सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर आप लोग रखेंगे, तो वहां पे आपके ये दोनों एग्जांपल्स आपको मिल पाएंगे। इसके अलावा मेसोमर्स, मेसोमर की भी हमने एक कैटेगरी आपसे डिस्कस की जिसे हमने बी एल कहा, है ना। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म थी, आधा पोर्शन इसका डी की तरह था और आधा पोर्शन इसका एल की तरह था, रिजल्टेंट मॉलिक्यूल जो था ऑप्टिकली इनएक्टिव था, तो इसका नाम जो है मेसोमर था। इसी तरीके से एक और पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिसको कि हमने जनरल फॉर्मूला 2 टू द पावर एन से रिप्रेजेंट किया था।
आप लोगों को पता है यहाँ पे एन जो था वो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन एटम था। तो हम लोगों ने जहां पे एक सेंटर कार्बन का होगा वहां पे 2^1 मतलब इसके केवल दो ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। और इसी तरीके से अगर कहीं पे n की पावर n की वैल्यू 2 होगी मतलब यहाँ पे दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो ये टोटल 4 ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑप्टिकल एक्टिविटी में ये पॉइंट फाइंड आउट किए थे। अब आगे का बच्चों जो लेक्चर है उस लेक्चर को हम पीछे के जहां पे हमने छोड़ा था लेक्चर वहीं से कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको टार्टरिक एसिड का एक एग्जांपल बताया था और आप लोगों ने टार्टरिक एसिड का देखिए ये बाइकार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ पे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा था, प्रोबेबली ये तीसरे नंबर का थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर था। आप लोगों को इसके बारे में बताया गया था कि यहाँ पे दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है और इसके अलावा दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये हमारा टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर था। आप लोग पीछे रिवाइज करेंगे तो ये थर्ड नंबर का जो स्ट्रक्चर था उसके करस्पॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये ना डी फॉर्म है और ना एल फॉर्म है, ये एक इसकी मीजो फॉर्म है, मीजो फॉर्म जिसको कि हमने कहा था बच्चों कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये वाली फॉर्म जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, जब हमने लेक्चर बच्चों शुरू किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन जिसमें भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा या जहां पे भी ये सेंटर आपको दिखेगा, इसका मतलब आप ये जरूर समझ ले कि ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि ये एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। मगर इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये तो दोनों बातें एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, है ना। तो इसको हम आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करके मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किस कारण प्रॉपर्टी आती है। तो देखिए बच्चों, इस कंपाउंड के ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के पीछे क्या रीजन है, आप लोगों को मैंने वहां पे भी बताया था कि मान लेते हैं कि यहाँ पे रोटेशन ऑफ लाइट इस तरीके से हो रही है HCOH की तरफ, और यहाँ पे भी रोटेशन ऑफ लाइट HCOH की तरफ हो रही है। तो इसको हमने पहले तक ये समझा था कि लाइट आधा पोर्शन लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और आधा पोर्शन मॉलिक्यूल का ऐसा है जो कि उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और विद द रिजल्ट टोटल मॉलिक्यूल ना उसको राइट रोटेट कर पा रहा है और ना लेफ्ट रोटेट कर रहा है, और रिजल्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो जा रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहा है। इस तरीके से हमने इस बात को समझा था, मगर ये समझाने के लिए बच्चों ये बात की गई थी, इसका असल मतलब क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए कभी भी किसी कंपाउंड के अंदर जिसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम है वहां पे आपको कुछ बातों को देखना है, अगर वो पॉइंट आपको दिख गए तो समझो कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी इस इन एसिमेट्रिक कार्बन होने के बावजूद भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने आपको कहा कि एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, मगर अगर ऐसे कोई पॉइंट दिख गए जो कि मैं अब आपको आगे बताने वाला हूं, अगर ऐसे कोई भी पॉइंट बच्चों आपको कहीं पे भी दिखते हैं स्ट्रक्चर्स में तो आप समझ लेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है ना। तो ऐसे सारे पॉइंटों को हम लोगों ने नाम दिया है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मतलब वो सारे एलिमेंट्स जिनके कारण कंपाउंड के अंदर सिमेट्रिसिटी आती है उन्हें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और इसमें फर्स्ट कैटेगरी है उसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये जो पॉइंट हमारा डिस्कस हो रहा है बच्चों, मैं आपको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री डिस्कस कर रहा हूं जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। फर्ज कीजिए कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ किया जा सकता है जो कि कंपाउंड को दो आइडेंटिकल हाफ में बांटता हो। देखिए क्या कह रहे हैं, अगर कोई ऐसा प्लेन पॉसिबल है जो कि इस कंपाउंड को दो आइडेंटिकल हाफ्स में बांटता हो, और ये हाफ, ये जो हाफ बने हैं दो, देखिए ये वाला एक हाफ ये हो गया, ठीक है ना, और दूसरा वाला हाफ ये हो गया, तो इन दोनों, ये दोनों हाफ्स एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल भी हो जाए तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रह जाता, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। दोबारा से समझे, अगर ये कंपाउंड, इस कंपाउंड के अंदर ऐसा कोई प्लेन इमेजिनरी प्लेन है, देखिए ये कोई रियल प्लेन नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन हमने प्लेन ड्रॉ किया है
जो इस कंपाउंड को दो आधे आधे हिस्सों में तोड़ रहा है, और लोअर वाला जो हाफ है, ये जो लोअर पोर्शन है, जब हम इसको यहां से पकड़ करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, देखो तो ये वाला पोर्शन इसको ओवरलैप कर लेगा, ये वाला पोर्शन इसको ओवरलैप कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसको ओवरलैप कर लेगा, विद द रिजल्ट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, दो ऐसे हाफ में टूट जाएगा जो कि एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते होंगे। और आप पहले भी हमने एनेंसियोमर्स में भी कहा था कि सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो ऐसे प्लेन के कारण वो कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल्स प्लेन ऑफ सिमेट्री रखते हुए कहलाते हैं। ये कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इस प्लेन को प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे बच्चों, इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ठीक है, मैं आपको इसी एग्जांपल को इसी टार्टरिक एसिड में दूसरे एंगल से बता रहा हूं, तो आप ज्यादा क्लियरली इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझ जाएंगे। देखिए यहां पे हमने इस टार्टरिक एसिड का अगला पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाया, आप लोग देख रहे हैं प्रोबेबली ये क्या है, फर्स्ट नंबर का जो हमने एग्जांपल बनाया था, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो टार्टरिक एसिड का बनाया था, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा देखिए, अगर हम इसमें ये प्लेन ड्रॉ करें, तो प्लेन ड्रॉ करने के बाद तो मॉलिक्यूल दो हाफ में टूट जाएगा, दोनों हाफ में सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे भी सेम ग्रुप है, मगर जब आप इसको इसके ऊपर ओवरलैप कराना चाहेंगे तो ये ओवरलैप नहीं होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। देखिए ये COOH जो है इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ओवरलैप कर लेगा, मगर ये हाइड्रोजन इस OH को सुपरइम्पोज नहीं करेगा। इसी तरीके से ये हाइड्रोक्सिल भी इस हाइड्रोजन को सुपरइम्पोज नहीं करेगा, विद द रिजल्ट कंपाउंड के अंदर इस तरीके की कोई सिमेट्री नहीं होगी। ये प्लेन होने के बावजूद इसमें कोई सिमेट्री नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये अनसिमेट्रिसिटी जो है, इसी को हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम दिया है। और ऐसे एग्जाम्पल बच्चों जहां भी आपको देखने को मिलेंगे, आप लोग समझ जाएंगे कि इन एसिमेट्रिक कार्बन के बावजूद ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत क्रूशियल एग्जाम्पल है इस कैटेगरी का, आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स और ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इस कैटेगरी में मैं एक और ड्रॉ कर रहा हूँ, आप उस एग्जाम्पल को भी देखेंगे, ठीक है। मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोगों ने डिस्कस कर ली, अब नेक्स्ट सिमेट्री जो है इसमें दूसरी है सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिए यहां पे तो हमने क्या कहा था कि अगर ऐसा कोई प्लेन हो, हमने कहा था कि ऐसा कोई प्लेन हो जो कि कंपाउंड को दो आइडेंटिकल हाफ्स में तोड़ता हो, अब हम क्या कह रहे हैं ऐसा कोई सेंटर हो, अब हम क्या कह रहे हैं ऐसा कोई, देखिए ये जो डॉटेड लाइंस हैं बच्चों ये कोवेलेंट बॉन्ड ही हैं, कार्बन जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर में है और इस कार्बन से जुड़ी हुई वैलेंसीज यहां पे दिखाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं ये एक इमेजिनरी कंपाउंड मैंने ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं ये एक साइक्लिक ब्यूटेन है, इस साइक्लोब्यूटेन में इस फर्स्ट कार्बन में और थर्ड कार्बन में जो है, फर्स्ट और थर्ड कार्बन में दो दो अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, और जिन ग्रुपों को हमने वेज और शेड मॉडल से दिखाया हुआ है, तो इसमें से ये जो लाइट शेडेड जो हमने बॉन्ड दिखाया हुआ है बच्चों, ये अवे द प्लेन है, मतलब बिलो द प्लेन है, पीछे वाले प्लेन में है, जबकि ये जो है टुवर्ड द आई है, आगे वाले प्लेन में है। इसी तरीके से ये दोनों भी, और ये जो ग्रुप्स हैं बच्चों ये सेम ग्रुप है, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, इस कंपाउंड में ये दो ग्रुप है, ठीक है। इस कंपाउंड को देख करके, इस कंपाउंड को अगर आप किसी सेंटर के अराउंड इसको अगर इस तरीके से कोई आप इसमें एक लाइन ड्रॉ करें जो कि इसके सेंटर से होते हुए गुजरे, देखिए हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हो सकता है हम लाइन ऐसे ड्रॉ करें, है ना, लाइन को हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, हो सकता है हम लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो,
मगर उस लाइन को क्या करना है, सेंटर से होते हुए जाना है बच्चों। तो अगर ऐसी कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करें जो कि इसके सेंटर से होती हुई जाएगी, तो वो कंपाउंड को दो हिस्सों में तोड़ेगा। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारी लाइन ये है, तो ये दो हिस्सों में तोड़ेगा, एक हिस्सा है ये और दूसरा हिस्सा है ये। तो अब इन दोनों हिस्सों में आप देखें कि इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यहां पे भी ए और बी, यहां पे ये बी है बच्चों, है ना, सॉरी ये ए और बी ग्रुप है, यहां पे भी आप देख रहे हैं ए और बी ग्रुप है, ठीक है ना। तो दोनों जगह नंबर ऑफ कार्बन भी बराबर, दोनों जगह एक जैसे ग्रुप, यहां पे भी देखिए एक जैसे दोनों कार्बन और दोनों एक जैसे ग्रुप। तो ये एक सेंटर ऐसा इस कंपाउंड में पॉसिबल है। ऑब्वियसली बात है ऐसा सेंटर केवल साइक्लिक कंपाउंड्स में ही पॉसिबल होगा, जहां पे कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो साइक्लिक होगा। तो साइक्लोप्रोपीन इसका जो मैंने एग्जांपल बताया, ऐसे आप साइक्लोहेक्सेन्स के डेरिवेटिव्स भी बना पाएंगे। तो आप साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर इस तरीके का एक सेंटर फाइंड आउट कर पाएंगे, जिसके होने के कारण वो कंपाउंड के अंदर सिमेट्रिसिटी पैदा कर लेगा, और विद द रिजल्ट जो मॉलिक्यूल होगा वो आपको चाहे ऐसा लग रहा हो कि इन कार्बन में एसिमेट्रिक कार्बन है, देखिए आप इस कार्बन के कारण इसको एसिमेट्रिक कार्बन तो बोल सकते हैं, मगर ओवरऑल मॉलिक्यूल जो हो जाएगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये दूसरा कारण है बच्चों जिसके कारण कि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है एसिमेट्रिक कार्बन रखने के बावजूद। तो ऐसे एग्जांपल्स को या फिर ऐसे सेंटर को क्या कहते हैं, प्लेन सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये उसका दूसरा एग्जांपल है, आप इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और है, कभी कभी बुकों में देखने को मिलता है, और ये बहुत रेयर कैटेगरी है, जिसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल मॉडल से पॉसिबल है इसका स्ट्रक्चर दिखाना, इसलिए मैं उसको यहाँ पे हालांकि बता नहीं रहा हूँ, मतलब एग्जांपल्स के थ्रू नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए थ्री डायमेंशनल बच्चों मॉडल हमें चाहिए होंगे, मगर फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री। कभी कभी एक इस तरीके का एक्सेस, एक इस तरीके का एक्स पॉसिबल होता है कंपाउंड के अंदर, जिस एक्स के अराउंड अगर कंपाउंड को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाए, तो वो जो दो हाफ्स होते हैं वो दोनों हाफ्स जो होते हैं एक तरीके के ग्रुप्स रखते हैं, मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, एक एक्स देखिए ये जेड एक्स बन रहा है, आप ये देख रहे हैं ये एक जेड एक्सेस बनाया जा रहा है। इस जेड एक्स ने इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से डिवाइड किया कि जो बचे हुए दो पोर्शन थे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, ठीक है। अब अगर इस कंपाउंड को किसी डिग्री में रोटेट किया जाए, देखिए अगर मैं इस वाले पोर्शन को किसी डिग्री में रोटेट करूं, ऐसे रोटेट करूं, तो इसका ए इस ए को ओवरलैप कर लेगा और ये बी इसको ओवरलैप कर लेगा, विद द रिजल्ट मॉलिक्यूल के अंदर एक सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है ना। ये थ्री डायमेंशनल मॉडल से और अच्छे से समझ में आ रहा था बच्चों, पर आप इसको यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को देख करके कि मैं फॉर एग्जांपल मैं ये जो हाफ पोर्शन है, इस हाफ पोर्शन को अगर मैं रोटेट करूं, देखिए इस पोर्शन को मैं अगर रोटेट करूं, तो एक डिग्री ऐसी आएगी जिस डिग्री में रोटेट करने के बाद ये ए इस ए को सुपर इम्पोज कर लेगा, ये बी इस बी को सुपर इम्पोज कर लेगा, विद द रिजल्ट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक तरीके का सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो जाएगा, और ये कंपाउंड फिर अगेन क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये तीन रीजंस बच्चों ऐसे हैं जिनको कि हमें चेक करना है कि कहीं कंपाउंड के अंदर ये तीन रीजंस तो नहीं है, और अगर ये तीन रीजन हमारे को कहीं पे मिल गए तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड जो है दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इस बात को आप बच्चों समझ गए। अच्छा इसी बात की तर्क को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, देखिए कंपाउंड्स के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेन रीजन अब क्या हो गया, देखिए अब कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेन रीजन केवल ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं रह गया। अब आप ऐसा किसी को नहीं बोलेंगे कि जहां पे एसिमेट्रिक कार्बन होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे जहां पे कि ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है कंपाउंड इसके बावजूद। तो अब जो डेफिनेशन होगी वो स्लाइटली चेंज होगी, अब ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएंगे जिनके अंदर कोई भी सिमेट्री ना हो,
कोई मॉलिक्यूल जो कि अनसिमेट्रिक है वो ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है। अब नई डेफिनेशन बच्चों ये हो गई। देखिए अगर मैं यहां पे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करता हूं, ये मैंने सिमेट्रिक मॉलिक्यूल से ड्रॉ किए, और दूसरा केस मैंने सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स नहीं लिए, मैंने मतलब सिमेट्रिसिटी खत्म कर ली। यहां पे अब आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं रह गए, है ना। तो जब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो आने वाली लाइट देखिए जैसे आ रही थी वैसे ही बाहर निकल जाएगी, या फिर फॉर एग्जांपल यहां से आ रही है ऐसे करके इधर से बाहर निकल गई। इस मॉलिक इस आने वाली लाइट की डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी रोटेशन नहीं आएगा। जबकि अगर मैं यहां से लाइट लेके जाऊं तो देखिए ये यहां से टकराएगी, नीचे आएगी, यहां से इधर जाएगी, यहां से यूं घूमती हुई इधर की तरफ मुड़ जाएगी। मतलब जहां से भी इसको रास्ता पॉसिबल रास्ता दिखेगा बच्चों ये उस तरफ के लिए बेंड हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहां पे मॉलिक्यूल्स क्या है सिमेट्रिक नहीं है, और यहां पे देखें तो मॉलिक्यूल्स क्या है सिमेट्रिक है। इस तरीके से लाइट पे भी ये सिमेट्रिसिटी क्या है इफेक्ट पैदा करती है, और यही इफेक्ट है जो कि लाइट को किसी एक डायरेक्शन में रिजल्टेंट डायरेक्शन में क्या कर देता है मोड़ देता है। तो आगे से आप लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी की खास वजह पता चल गई, मॉलिक्यूल के अंदर अगर सिमेट्रिसिटी होगी तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पे देखिए आपको सिमेट्री सिमेट्री दिखाई दे रही है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, जबकि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी सिमेट्री नहीं दिखाई दी। तो ये बच्चों ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेन रीजन है, जिसको कि आप लोग लोअर क्लासेस में या शुरू करते समय ये समझते हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो होता है वो इसकी मेन वजह होती है, जो कि एक्चुअली नहीं होती। एक्चुअल वजह जो है उसमें सिमेट्रिसिटी और असिमेट्रिसिटी होती है। तो इतना पोर्शन बच्चों हम लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ओके, आगे डिस्कस कर रहे हैं इसका नोमेनक्लेचर। ऐसे कंपाउंड्स के लिए नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के लिए वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चों नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स। आइसोमर्स नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है, नामकरण। देखिए आईयूपीएससी सिस्टम्स में हमारे को क्या पता चलता है कंपाउंड का नाम कैसे रखते हैं, ठीक है ना। आईयूपीएससी नेमिंग में जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने लैक्टिक एसिड का एग्जांपल पढ़ा था, जैसे ये हमारा एक एग्जांपल हो गया, इसका आईयूपीएससी में नेमिंग पूछे तो आईयूपीएससी इसका नाम क्या बोलेगी, आईयूपीएससी इसका नाम कहेगी सेकेंड वाले कार्बन पे। देखिए फर्स्ट कार्बन ही है, थर्ड कार्बन ही है, सेकेंड ही है, तो सेकेंड मतलब टू हाइड्रोक्सी और इसका नाम क्या हो गया प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका नाम हो गया इस वाले कंपाउंड का। और दूसरे कंपाउंड का क्या नाम है बच्चों, सेम नाम है, देखिए 1, 2, 3 इसमें भी सेकेंड पोजीशन में क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 2-hydroxypropanoic acid। दोनों ही केसेस में क्या है इसका नाम 2-hydroxypropanoic acid है। पर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये डी लैक्टिक एसिड है और ये एल लैक्टिक एसिड है, या फिर कोई और, ये एल है ये डी है, ऐसा हम देख के बता नहीं सकते। मगर ये दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल तो है, मगर एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये दोनों दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो फिर इनका तो दोनों का नाम भी अलग होना चाहिए था। मगर आईयूपीएससी से पूछेंगे तो आईयूपीएससी तो दोनों के लिए कॉमन नेम बताएगी। तो अब हमारे को एक और पैरेलल नोमेनक्लेचर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जो हमें नाम लिखते समय भी ये बताए कि हाँ हम इसकी बात कर रहे हैं या फिर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। केवल ये आईयूपीएससी नेमिंग ही इन दोनों के लिए सफिशियंट नहीं है, हमारे को एक और पैरेलल सिस्टम चाहिए होगा। तो इस पैरेलल सिस्टम को डिस्कस करने के लिए जो सबसे पहले रूल आया, सबसे पहले नोमेनक्लेचर सिस्टम आया, वो आया डी एल नोमेनक्लेचर सिस्टम। पहला सिस्टम जो था उसका नाम था डी एल नोमेनक्लेचर सिस्टम, यह है डी एल नोमेनक्लेचर सिस्टम, और ये किसने दिया था, एमली फिशर
ने ये डी एल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया। देखिए इसमें डी और एल अगेन दो टर्म आ गए। अभी आपने थोड़ी देर पहले डेक्स्ट्रोमर और लिवोमर्स के लिए भी डी और एल पढ़ा था, मगर वहां पे डी और एल स्मॉल स्मॉल थे और यहाँ पे आप डी और एल जो है कैपिटल कैपिटल है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप दोनों टर्म्स में कंफ्यूजन नहीं करेंगे, आप कभी भी डेक्स्ट्रोमर्स के लिए कैपिटल डी नहीं लिखेंगे, भूल के भी नहीं लिखेंगे। हाँ, डेक्स्ट्रोमर्स के लिए आप प्लस चार्ज लिख सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, प्लस क्योंकि ये रोटेशन क्या करते हैं क्लॉकवाइज करते हैं, इसलिए इसको प्लस से लिख दिया हमने, अदरवाइज इसको डी से ही लिखेंगे मैक्सिमम केसेस में। और अगेन एक बात और कि कैपिटल डी इज नॉट इक्वल टू स्मॉल डी, ये भी एक बात है। आप ये नहीं है कि अगर हमने किसी को डी नाम दिया है, जैसे डी लैक्टिक एसिड दिया है तो उसका मतलब ये डेक्स्ट्रोमर है। अगर हम किसी को कह रहे हैं डी लैक्टिक एसिड तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको कह रहे हैं डी लैक्टिक एसिड, है ना। तो ये यहां पे कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, कैपिटल डी और स्मॉल डी बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग्स हैं, तो हम लोग इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इस नोमेनक्लेचर सिस्टम में किस तरीके से नाम दिया गया है। उसके लिए एमिली फिशर ने क्या किया है, सबसे पहले जो सबसे स्मॉल सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट था जिसको कि ग्लिसरल्डिहाइड कह रहे हैं, ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखो बच्चों मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, ये है ग्लिसरल्डिहाइड, ये ग्लिसरल्डिहाइड है। ये तीन कार्बन का सबसे मतलब फर्स्ट कंपाउंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, इससे छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल नहीं होता। ये सबसे पहला मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी का, तीन कार्बन की इसमें चेन लगी हुई है, ठीक है ना। वैसे अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम सीखेंगे तो क्या बोलेंगे, इसमें क्या है फर्स्ट, देखो नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3, तीन कार्बन की पेरेंट चेन है, पहले कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन में दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम इसको 2 3 डाई हाइड्रोक्सी इतना तो कह ही सकते हैं। और इसके अलावा 1 2 3 प्रोपेनल, प्रोपेनल इसका नाम क्या आ जाएगा प्रोपेनल, ये इसका बच्चों आईयूपीएसी नाम आ जाएगा। अच्छा, एल्डिहाइड पहली पोजीशन में लगा हुआ है इसलिए इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे लिखने की कोई खास जरूरत नहीं कि प्रोपेनल वन, ये अंडरस्टूड सी बात है कि प्रोपेनल क्या है एक मोनोवेलेंट ग्रुप है, वो हमेशा एक तरफ ही आएगा, अल्टरनेट मतलब टर्मिनेट पोजीशन में आएगा, तो इसलिए वहां पे कोई डिनोट करने की जरूरत नहीं, यहां से ही क्लियर है। तो देखिए ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है उसका तो ये आईयूपीएसी नेम है, मैं इसको खैर ग्लिसरल्डिहाइड ही लिखूंगा ताकि आप ज्यादा लंबा ना हो जाए इसमें, इसका नाम हमने ग्लिसरल्डिहाइड, देखिए ये इसका नाम हो गया। अब एक मॉलिक्यूल तो ग्लिसरल्डिहाइड का बच्चों ये है, और दूसरा स्ट्रक्चर ग्लिसरल्डिहाइड का क्या हो सकता है, ऑब्वियसली बात है बताएं, यहाँ पे क्या है, अब हमने हाइड्रोजन को इस तरफ रख के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इससे एक्सचेंज कर लिया, देखिए ये हमारा दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर है ग्लिसरल्डिहाइड का, तो ये ग्लिसरल्डिहाइड, और दोनों को ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, दोनों का सेम आईयूपीएसी नेम है, नंबरिंग करेंगे तो दोनों का दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब कोई भी खास डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट इनके ऑप्टिकल एक्टिविटी में, एक इनमें से प्रोबेबली लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देगा मतलब डेक्स्ट्रोमर होगा, और एक लिवोमर होगा वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो इनका नोमेनक्लेचर कैसा किया जाए, इन दोनों का नाम कैसे लिखा जाए कि जब मैं इसके बारे में बात करूं तो यही इसी का स्ट्रक्चर बनाया जाए, इसका स्ट्रक्चर ना बनाया जाए, इस चीज को उन्होंने कैसे मैनेज किया, एमिली फिशर ने बहुत सिंपल से जनरलाइज्ड सा नाम दे दिया। एमिली फिशर ने कहा कि इसको एग्जांपल मानते हुए, इसको बेसिस मानते हुए, जहां पे भी आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है राइट हैंड साइड में दिखेगा, जहां पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा, आप उसको डी फॉर्म बोल देंगे डी। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा हम उसको एल फॉर्म बोल देंगे। तो ये नोमेनक्लेचर सिस्टम था एमिली फिशर के थ्रू। एमिली फिशर ने कहा जहां पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में रहेगा उसके नाम से पहले डी लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो गया डी ग्लिसरल्डिहाइड। ऑब्वियस सी बात है,
दूसरा केस जो हो जाएगा जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसका नाम एल ग्लिसराइडाइड पड़ जाएगा। ये दो इस तरीके से इन्होंने एक बहुत इजीएस्ट तरीका देखिए इन्होंने दे दिया, ठीक है ना। अब इस एग्जांपल को मानते हुए हम लैक्टिक एसिड का नाम लिखते हैं। देखिए इस एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को लैक्टिक एसिड का नाम लिखना है। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर को देखिए हमने चार पांच बार बना लिया। अब लैक्टिक एसिड की जगह कोई दूसरा एग्जाम्पल बना लेते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्या बना दिया, हमने यहाँ पे बी आर लगा दिया। मान लेते हैं एच ओ एच, मान लेते हैं हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक इथेन मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है ना। तो ये इसका नाम क्या है, ब्रोमो। देखिए पहला पोजीशन इसी को बोलेंगे ना, तो वन ब्रोमो, पहली पोजीशन में ब्रोमो है और इसका नाम इथेनल, इथेनॉल भी लिख सकते हैं इसको, इथेनॉल वन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को चाहे तो फर्स्ट पोजीशन में है ये भी दिखा सकते हैं। तो वन ब्रोमो इथेनॉल वन इसका नाम हो गया, ठीक है ना। इसका यूपीएससी नेम अगर बच्चों में करेंगे तो ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन होगा। पहले ही कार्बन में ब्रोमो भी जुड़ा हुआ है और पहले कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, वन ब्रोमो इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। मगर फिशर के हिसाब से इस नाम को करेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि इसका एक आइसोमर और होना है, उसके नाम से भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, एल। तो इस कंपाउंड का नाम लिखने से पहले हम इसमें क्या करेंगे, एल जोड़ देंगे ताकि हम बता सके कि हम इस वाले आइसोमर की बात कर रहे हैं। अदरवाइज अगर मैं किसी को बोलूंगा कि वन ब्रोमो इथेनॉल की ये रिएक्शन हुई, ये केमिकल रिएक्शन हुई, तो बच्चे इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे पास वन ब्रोमो इथेनॉल है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 136 है, तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं दोनों में से किस कंपाउंड के बारे में बोल रहा हूँ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 136 है। तो जस्ट टू रिमूव दिस टाइप ऑफ कंफ्यूजन हमने क्या किया है, एक नॉमनक्लेचर दे दिया है, ठीक है ना। अब देखिए इस नॉमनक्लेचर का बेस क्या है, इसका बेस ग्लिसरल्डिहाइड, और ग्लिसरल्डिहाइड में सिर्फ इस बात को कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां होगा या यहां होगा, है ना, इसका तो बेस केवल यही पॉइंट तो है। इस कारण इसको एक रिलेटिव कॉन्फिगरेशन बोला गया है, इसे क्या बोला गया, रिलेटिव नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर मतलब एक रिलेशन के थ्रू ये नाम आया है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, रिलेटिव नॉमनक्लेचर सिस्टम कह दिया हमने इसको, ठीक है ना। अगर हम चाहें तो इसके एक दो एग्जांपल्स थोड़े से और कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल इसका ये हो गया, ये इसके एग्जांपल्स कुछ हमने ड्रॉ कर दिए। देखिए इन एग्जांपल्स में आप देखें, मैं इस वाले के नाम के बारे में पूछूं तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड में ये तीन कार्बन की एक चेन है जिसके फर्स्ट पोजीशन में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसको वन क्लोरो, देखिए ये लिख सकते हैं वन क्लोरो, सेकेंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है मगर ये तीन कार्बन की एक चेन है तो इसका नाम प्रोपेनॉल, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपे नॉल, और सेकंड पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, चाहे यहां से काउंट करें चाहे यहां से काउंट करें, सेकंड पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है तो इसलिए हमें यहां से काउंट करना पड़ेगा क्योंकि यहां क्लोरीन भी आ रहा है, इसलिए हमारी काउंटिंग जो होगी यहां से शुरू होगी, 1 2 3 करके ऐसे में बढ़ेगी बच्चों, ठीक है ना। तो इस कंपाउंड को हमने इसका नाम 1-chloro-propanol-2 लिखा, मगर इसके साथ साथ हमारे को ये भी बताना पड़ेगा कि ये किस तरीके का है, इसका मतलब क्योंकि इसका एक और आइसोमर पॉसिबल है, इसलिए ये किस तरीके का है इसका नाम बताने के लिए हम बोलेंगे कि चूंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस तरफ है, राइट हैंड साइड में, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, डी। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, डी वन क्लोरो प्रोपेनॉल, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको जो भी एग्जाम्पल मिलेगा आप उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप को एक दूसरे की विसिनिटी में पाएंगे तो आप देखेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां भी राइट हैंड साइड में है उसका नाम डी हो जाएगा, और जो दूसरा वाला है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में है उसका नाम एल हो जाएगा। इस एग्जाम्पल से हमने ये बात कंफर्म कर ली। इसके बाद ये जो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए ये क्या है, एक अमीनो एसिड है, ये क्या है,
अमीन भी है और एसिडिक ग्रुप भी है, अमीनो एसिड है ना, जिससे प्रोटीन मिलकर के बनना होता है। ठीक है, ये जो अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड में तो हमें कहीं भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं दिख रहा है ना। जब इसमें हमें कहीं भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं दिख रहा है तो हम लोग इसको इसका सिंपल आईयूपीएसी नेम तो देखिए ऐसे दे सकते हैं। पहला कार्बन इसको, पहला इसको बोलेंगे 1, 2, 3, हम इसको कहेंगे सेकेंड टू अमीनो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड हम इसको ये नाम देंगे। मगर ये डी है या एल है इस बात के लिए कंफ्यूजन में जाएगा कि हम इसको डी कहें या एल कहें। तो देखिए जब फिशर से पूछा गया कि जी अब इस केस में हम क्या करें, तो फिशर ने क्या बोला, नाउ यू रिप्लेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद अमीनो ग्रुप, दिस इज वेरी क्लियर है ना। अब हमारे को हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह अमीनो ग्रुप को देना पड़ेगा। देखिए इन दोनों के केस को अगर हम डिस्कस करें तो ऑब्वियस सी बात है कि ये थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए शायद फिशर ने इसको ऐसे कोरिलेट कर दिया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नाउ रिप्लेस्ड विद अमीनो ग्रुप, तो इसका नाम अगेन हमने डी कर दिया, क्योंकि यहां पे अमीनो ग्रुप जो था वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में था। तो इस तरीके से उसने उस समय जितने भी अवेलेबल एग्जांपल्स थे तकरीबन सबके लिए कोई ना कोई नाम सजेस्ट कर लिया, और उस समय के हिसाब से क्योंकि उस समय कंपाउंड कम थे। देखिए एमिली फिशर जो है उनको 1901 में जो मतलब सेकंड जो नोबेल प्राइज था केमिस्ट्री का वो उनको मिला था, और स्टीरियो केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर सिस्टम के लिए और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ही दिया गया था। तो उस समय जो है एग्जांपल्स इतने ज्यादा नहीं थे, अब धीरे धीरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आने लगे। तो धीरे धीरे जब बहुत सारे एग्जाम्पल आने लगे, अब चूंकि ये तो रिलेटिव एग्जाम्पल था है ना, अभी अमीनो ही ग्रुप आया था, इसके बाद तो बहुत सारे ग्रुप्स और आने थे। अब ऐसा हो जाता अगर कि इस तरफ हाइड्रोक्सी आया था और इस तरफ अमीनो आया था तो कन्फ्यूजन बढ़ जाता है ना। तो इस तरीके से जब धीरे 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 कंपाउंड और ज्यादा आने लग गए तो उनका जो ये रिलेटिव नोमेनक्लेचर का फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला इतना एग्जिस्ट नहीं कर पाया, इतना बढ़िया से काम नहीं कर पाया। देखिए इसके कुछ खामियां देखते हैं, इस एग्जाम्पल की कुछ खामियां देखते हैं। इस एग्जाम्पल की क्या खामियां हो सकती है, देखिए एक तो CH3OH NH2COH, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब कंपाउंड ऐसा है, तो ये कंपाउंड भी ऑब्वियस सी बात है इसमें भी एसिमेट्रिक कार्बन आइटम है, तो ये भी एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, इसका भी एक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मगर अब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही क्यों ध्यान दें, ठीक है नहीं। अब तो हमारे पास बहुत सारे ग्रुप हैं जिनको कि हम लोग मतलब बेस बना सकते हैं, वहां पे तो केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे थी, तो हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मतलब प्रायोरिटी दे दी थी, उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना। मगर अब तो अमीनो ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, खुद COH ग्रुप भी उसमें शामिल है, तो हम लोगों के लिए अब कंफ्यूजन जो है बच्चों बढ़ गया। अब हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि केवल हाइड्रोक्सिल, और मान लेते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ही नहीं, मान लेते हैं ग्रुप है ही नहीं, इसकी जगह जो है अगला ग्रुप आ गया कोई CHO ग्रुप आ गया, नया मॉलिक्यूल ऐसा आ गया, तो इस तरीके से तो फिशर ने कुछ भी नहीं कहा था, ठीक है ना। इस बार तो फिशर का फॉर्मूला जो है इस बार तो फिट नहीं बैठ पाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी खामी थी, क्योंकि ये तो रिलेटिव नोमेनक्लेचर सिस्टम था, चूंकि ये रिलेटिव था इसलिए ये कुछ केसेस को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया था, और धीरे धीरे केसेस बढ़ते गए तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता गया, ठीक है ना। तो इस बात को तो बच्चों वो डिफेंड नहीं कर पाए, फिशर जो है इस पॉइंट को डिफेंड नहीं कर पाए। इसके बाद एक और केस आगे आ गया जब आगे क्वेश्चंस मिलते रहे, जैसे मैं टार्ट्रिक एसिड का आप लोगों को अब एग्जाम्पल ठीक से याद है, तो मैं टार्ट्रिक एसिड का ही एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये टार्ट्रिक एसिड का एग्जाम्पल है, इसमें दो सेंटर हैं। अब अगर कोई इसमें इसका फिशर के हिसाब से नाम लिखना चाहेगा तो वो क्या बोलेगा, देखिए काउंटिंग तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, और काउंटिंग बच्चों हम यहाँ से भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। काउंटिंग के लिए तो कोई भी रूल नहीं, काउंटिंग के लिए एक ही रूल है कि बड़ा ग्रुप से शुरू करनी है और जहां से मैक्सिमम ग्रुप्स जो हैं वो नजदीक पड़े। तो इसमें तो सिमेट्रिसिटी है मॉलिक्यूल में, एक तरीके से एक जैसा पैटर्न मिलेगा ऊपर से आओ चाहे नीचे से आओ, तो यहाँ पे नंबरिंग करने में हमारे को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मगर एक केस में अगर मैं इसकी काउंटिंग देखिए ऊपर से करता हूं तो मैं इस कंपाउंड को क्या बोलूंगा, दूसरे नंबर पे टू सेकेंड कार्बन जो है वो एल है, सेकेंड कार्बन क्या है एल है,
और थर्ड कार्बन क्या है बच्चों, थर्ड कार्बन क्या है, डी है। सेकंड कार्बन एल है क्योंकि यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। थर्ड कार्बन डी है क्योंकि यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है राइट हैंड साइड में है, और ये टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, मगर कोई आदमी अगर यहां से न करे काउंटिंग, तो काउंटिंग अगर फॉर एग्जाम्पल यहां से शुरू हो 1 2 3 4, तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड कार्बन जो है वो किस तरीके से ओरिएंट है, यहां पे जो ये जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है ये क्या है, डी है, और इसके बाद थर्ड में पहुंचेंगे तो थर्ड में इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एल, और टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। देखिए एक ही कंपाउंड के दो नाम है, एक ही कंपाउंड के दो नाम है, मतलब हमें ये नहीं पता कि इसका ये नाम सही है या फिर ये नाम सही है, क्योंकि ये तो दोनों ही सही है। फिशर की अगर रूल की बात चलेगी तो फिशर के हिसाब से तो ये दोनों के दोनों नाम सही है, जबकि दोनों नाम सही नहीं हो सकते, है ना। अगर आप थ्री डायमेंशनल स्पेस में किसी मॉलिक्यूल को देख रहे हो तो उसका तो सेकेंड नंबर का कार्बन या तो डी ही होगा या फिर एल ही होगा, मतलब एक ही फॉर्म में हो सकती है, क्योंकि अगर उसका डी भी है और एल भी है तो वो तो दोनों फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो डेक्स्ट्रोमर में भी कन्वर्ट हो रहा है और लिवोमर में भी कन्वर्ट हो रहा है ना, तो जो कि एक पॉसिबिलिटी नहीं है। इस पॉइंट को ऐसे 4-5 पॉइंट और बच्चों आए थे जिनको कि फिशर का ये जो डीएल नॉमेनक्लेचर सिस्टम था ये डिफेंड नहीं कर पाया था, और इसलिए इस डीएल नॉमेनक्लेचर को क्या कर दिया गया, इसके बाद इसको ऑब्सोल्यूट कर दिया गया, और इसकी जगह जो है मोर लेटेस्ट और मोर रिफाइंड नॉमेनक्लेचर सिस्टम ने ले ली थी, जिसका नाम था आर एस नॉमेनक्लेचर सिस्टम। इसका नाम क्या था, आर एस नॉमेनक्लेचर।